तो बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, परमेबिलिटी जो मैंने बताया था, परमेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, चुंबकित हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब उसकी ग्रहण करने की क्षमता को, ससेप्टेबिलिटी को के आधार पर। ठीक है, हम बता रहे थे कि जो मैं यहाँ पे परमेबिलिटी के आधार पे आपको बता रही हूँ, आपके जो परमेबिलिटी के बेसिस पे आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑफ थ्री थ्री टाइप्स। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फिर आपका एक होता है पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद आपका होता है डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। तो आपका हो गया डाया मैग्नेटिक मटीरियल, पैरा मैग्नेटिक मटीरियल और आपका फेरो मैग्नेटिक मटीरियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाया मैग्नेटिक मटीरियल की। तो मैंने आपको बताया कि मैं इसका बेसिस परमेबिलिटी ले रही हूँ कि इसी पे है आपका कोई भी जो मटीरियल है उसकी चुंबकित होने की जो शक्ति है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपका म्यू आर जो है इसमें ये वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या रहती है, लेस देन 1, ये क्या होती है, म्यू आर इक्वल टू 1 के आसपास ही रहती है। ठीक है, या थोड़ी सी ग्रेटर देन 1, बस इतने ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन जो फेरो मैग्नेटिक है इसकी जो वैल्यू है वो मच 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 ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब ये 200 से लेके बहुत ही मैक्सिमम इसी क्या होती है, परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो डाया मैग्नेटिक मटीरियल के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे मटीरियल जिनकी परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 से कम होती है, दैट मीन्स म्यू आर इज़ लेस देन 1। तो यानी उसकी जो परमेबिलिटी होती है, जो चुंबकशीलता की जो शक्ति है जिसको हम ससेप्टेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ग्रहणशीलता, ससेप्टेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को ग्रहण करने की शक्ति, उसको हम बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी का मतलब चुंबकशीलता, उस चुंबकशीलता से चुंबकित तो हो रहा है पर कितना हो रहा है। ठीक है, उसको कितना ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, दैट इज़ योर ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय ग्रहणशीलता, ससेप्टेबिलिटी का मतलब ग्रहणशीलता। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अगर आपकी क्या है, इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ग्रहणशीलता। फिर से बता रही हूँ, परमेबिलिटी क्या है, चुंबकशीलता, कितना चुंबकित हो रहा है, चुंबकित तो हो रहा है और लेकिन उसे कितना ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो परमेबिलिटी और एक चुंबकशीलता। ठीक है, तो जो चुंबकशीलता है उसको हम के से दिखाते हैं, जब चुंबकशीलता की जो वैल्यू है, सॉरी ग्रहणशीलता की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। जैसे मैंने म्यू आर लेस देन 1 बताया तो परमेबिलिटी तो लेस देन 1 होगी और ये ससेप्टेबिलिटी यानी ग्रहणशीलता की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव आ गई के की। तो इस प्रकार के मटेरियल्स को जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को, इस की कैटेगरी में जितने भी मटेरियल आते हैं, तो वो मटेरियल डायमैग्नेटिक कब कहलाते हैं, वो मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखने पर भी बहुत कम, ना के बराबर क्या होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ, क्या होते हैं, चुंबकशील कम होते हैं, चुंबक ग्राही कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ये मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखने पर, लेकिन जो इनके लेकिन क्या होता है कि जो इनकी इनकी ये जो भी क्या करते हैं, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो के दूसरे डायरेक्शन के, दूसरी डायरेक्शन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करते हैं अपने डोमेन्स में, इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन फील्ड में क्या करते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे, रदर देन टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी ये क्या हो जाएंगे,
यानी ये क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके हम ये क्या कहते हैं कि ये मटेरियल क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो अट्रैक्शन फोर्स आता होना चाहिए एटम्स के बीच में, ताकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, तो ये ऐसे पदार्थ जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ बिस्मिथ, ठीक है। बिस्मिथ क्या है, इसका एग्जाम्पल है बी आई बिस्मिथ। उसके बाद है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में मैंने म्यू आर ग्रेटर देन वन बताया, और इसका जो के होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है ससेप्टेबिलिटी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको जिनकी ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, कमन वन से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा ज़्यादा या एक के बराबर होता है। और ऐसे पदार्थों को, जब ऐसे मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ये क्या होते हैं, कम ही आंशिक, जैसे ये वाला है थोड़ा पार्शली, पार्शली क्या होता है, मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन ये मैग्नेटाइज उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऐसे जो आपके मटेरियल्स होते हैं ये क्या रखते हैं, पार्शल पार्शल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब प्रॉपर मैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उसको भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन जितनी करते हैं वो किसके डायरेक्शन में करते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हैं। तो मतलब ये कुछ हद तक उन प्रॉपर्टीज़ को, दो प्रॉपर्टीज़ को, फेरोमैग्नेटिक बनने की कुछ प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। तो इसे हम प्योर फेरोमैग्नेटिक नहीं कहते हैं, इसे हम इनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज, ये सब इसी की किसमें आते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। तो ये और ये दोनों नॉन मैग्नेटिक मटीरियल की श्रेणी में आ गए। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल आपके वे मटीरियल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्रिस्टल सॉलिड की तरह होते हैं, पहली बात इसकी फॉर्म में क्रिस्टल सॉलिड की फॉर्म में होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, आप ही कह सकते हो वेरी हाई, 200 से लेके कई सौ थाउजेंड तक, मैनी थाउजेंड तक होती है। और ये क्या होता है, ये वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रोंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का गुण रखते हैं और बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर, ठीक है। और इसके इसमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें जो एग्जांपल आपका आयरन, कोबाल्ट और निकल होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है बच्चों। अब बच्चे इसको देखिएगा ज़रा, ये है आपका हिस्टेरेसिस लूप। स्टेरेसिस लूप क्या होता है, मतलब ये एक तरह से स्टेरेसिस लूप इज बेसिकली अ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ किसके, ग्राफ बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। एच आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, एच क्या है आपका, मैग्नेटिक फोर्स, वही जो फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स। और बी क्या है आपकी, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब फ्लक्स क्या होता है, बी इजिकल्स टू क्या होता है, फाई ए। बी क्या होता है आपका, आपने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं यहाँ दिखाती हूँ, बी इजिकल्स टू फाइव ए, ठीक है। तो आपका ये बी क्या होता है, आपकी फ्लक्स डेंसिटी होती है, पर यूनिट एरिया में से बहने फ्लो करने वाला फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब चुंबकीय बल रेखाएँ, एक एरिया में से आपकी कितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएँ आपके पास होती है, ठीक है। तो उसके क्रॉस, उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, यानी उस एरिया में से, ठीक है। तो ये आपकी, ये जो बेसिकली ग्राफ है आपका हिस्टेरेसिस लूप, ये बेसिकली एच और बी के बीच में है, आई मेरी बात समझ। तो आप कह सकते हो हिस्टेरेसिस लूप इज़ बेसिकली अ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी फोर्स और फ्लक्स डेंसिटी के बीच में ग्राफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी एच लूप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी एच लूप, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बताऊं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको उस ग्राफ से समझाती हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है।
हाँ बच्चे, तो स्टेरिसिस लूप को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये ग्राफ बनाया है मैंने पूरा, आप देख रहे हैं, इसमें ये एच है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब जैसे वाई माइनस वाई होता है, एक्स माइनस एक्स होता है, ऐसे ही बी और एच के बीच में ग्राफ है। फिर इसमें मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाए, ये आप ग्राफ देख रहे हो पूरा, ये इस तरीके से चला, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए, ये पहला पॉइंट, इसमें तीन चार पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट आप आ रहा है ए, ठीक है। इसके आगे मैंने क्या लिखा है, सैचुरेशन लिखा है, ये क्या क्या मैंने लिखा, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने लिखा बी, बी के साथ में आप देख रहे होंगे मैंने एरो लगाया है, बी है आपका रेजिडुअल, रेजिडुअल अवशेष चुंबक, बचा हुआ चुंबक, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी, आप क्या कह सकते हो, रिटेंटिविटी, राइट। उसके बाद है आपका, उसके बाद है नेक्स्ट सी पॉइंट है, जिसके आगे मैंने लिखा है कोएर्सिविटी, ठीक है, कोएर्सिविटी। डी पॉइंट जो है इसमें ये वाला, दैट इज़ योर सैचुरेशन, अगेन सैचुरेशन, जैसे ए आपका सैचुरेशन था, ऐसे डी भी आपका सैचुरेशन है, लेकिन अपोजिट, अपोजिट में, अपोजिट साइड, ठीक है। अगेन आपका उसके बाद जो बचता है, उसके बाद बचता है आपका एफ पॉइंट, ठीक है। जैसे सी पॉइंट था, ऐसे कोएर्सिविटी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको जब आपको समझा रही हूँ, जरा आप इसे समझिएगा। देखिए, जैसे आपने एच को बढ़ाया, एच को आपने इंक्रीज़ किया, जैसे आप एच को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आप देख रहे हो आपका बी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, एच इंक्रीज़ हो रहा है, बी इंक्रीज़ हो रहा है, एच इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे चले एच इंक्रीज़ हो रहा है, बी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे चले एच इंक्रीज़ हो, आपका जैसे एच इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ आपका बी साइड पे देखो तो बी भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक पॉइंट पे जाके आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स बढ़ाने पर, उसके बाद में आपका जो बी है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप एच को बढ़ाते चले जाओगे, आपका बी इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके आप एच को बढ़ाओगे, लेकिन आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, आपका क्या होगा, वो नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स आपके जितने भी डोमेन्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। उसके बाद में अब उससे ज़्यादा वो क्या नहीं हो सकते, चुंबकित नहीं हो सकते, अलाइन नहीं हो, क्योंकि पूरा प्रॉपर अलाइंड हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा वो क्या नहीं हो पाएंगे, मैग्नेटाइज नहीं हो पाएंगे, यानी पूरे मैग्नेटिक, उस मटेरियल के जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं, ठीक है। अब अगर इसके बाद में आप अगर एच को बढ़ाते हो, तो उस केस में आपका बी नहीं बढ़ रहा है, ये देखिए ए, ठीक है, आप एच को बढ़ाते चले जा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा एच को और बढ़ाओगे, तो आपका बी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट क्या कहलाता है, सैचुरेशन कहलाता है, जहाँ पे उस मटेरियल के सारे जो डोमेन्स हैं वो क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब ये इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहे हैं, अब ये क्या करके देखते हैं, अब हमने एच को कम करना शुरू किया, ठीक है, जैसे मैंने एच को बढ़ाया था तो ये बढ़ना शुरू हो गया था, अब जैसे, अब मैं चाहती हूँ जैसे मैंने बढ़ाया था तैसे मैंने एच को फिर से घटाना शुरू किया, मैग्नेटिक फोर्स को धीरे धीरे हटाना शुरू किया, तो जैसे आपने मैग्नेटिक फोर्स को हटाया तो ये घटना चाहिए, ठीक है, और जैसे ही जीरो पे आ जाए तो क्या हो जाना चाहिए, जैसे ये बढ़ा था, जैसे ये बढ़ा था, जैसे आप बढ़ा रहे थे तो ये बढ़ा था आपका, ठीक है, ए पॉइंट पे आके, तो जैसे ये बढ़ा था ऐसे ये घट जाना चाहिए, जैसे ये बढ़ा था ना वैसे ये घट जाना चाहिए, जैसे आप एच को वापस जीरो, एच को कम करते करते वापस जीरो पे लाओ, तो आपका बी भी क्या होना चाहिए, जीरो और जाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हुआ नहीं, जैसे आपने एच को कम किया कम किया कम किया, जैसे ही आप एच को ए से आप एच को वापस कम करके लाए, तो आपने देखा कि जो ये बी है, ये वाला बी पॉइंट किस पे है, एच पे, एच को जीरो करने पर, डीमैग्नेटाइज करने पर, तो मैग्नेटिक फोर्स को बिल्कुल हटा देने पर भी आपका जो फ्लक्स है उस मटेरियल के अंदर क्या है, उसकी फ्लक्स उसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत है, मतलब उसके अंदर अभी भी चुंबक के गुण हैं, मतलब वो प्रॉपरली विचुंबकित नहीं हुआ है, मतलब वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी भी उस मटेरियल के कुछ डोमेन्स क्या है, उसी तरफ अलाइंड है जिस तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया था, अप्लाई किया था, कुछ डोमेन्स,
तो एच को ज़ीरो करने पर भी जब आपके जो फ्लक्स है वो ज़ीरो नहीं हुआ, मतलब वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, मतलब वो मटेरियल में अभी भी कुछ ना कुछ चुंबक के गुण विद्यमान हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। बी को हम बोला रिटेंटिविटी, या हम कह सकते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबक। क्या बोलेंगे? अवशिष्ट चुंबक, मतलब उसको मैग्नेटिक फोर्स को हटा देने पर भी उस मटेरियल में कुछ ना कुछ चुंबक बची रह जाते हैं, चुंबक बचे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल, मतलब बची हुई चुंबक, मतलब थोड़ी बहुत उसके अंदर चुंबक के गुण रह जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगाने पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेंसिटिव बढ़ती है, लेकिन अगर आप एकदम से मैग्नेटिक फोर्स को ज़ीरो कर दो तो तब एकदम से कोई भी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एकदम लॉस्ट नहीं करेगा, कुछ समय तक उसमें क्या रहेंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगी, चाहे उसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर आपने लगाई हो या ना लगाई हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, फिर से आपने एच को नेगेटिव की तरफ बढ़ा के देख लिया, बढ़ाने के घटाने के बाद पहले बढ़ाया ए आया, घटाया बी पॉइंट आया। अब इस बी को हमें अभी क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी को बिल्कुल ज़ीरो करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो करने पे तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, अब हमने नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, आपने अप्लाई किया। तो जैसे ही आपने अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो आपकी क्या हुई, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया, उस केस में आपका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो वो फोर्स, और जैसे हमने बताया कि जैसे आपका ये सी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे आके आपकी जो बी है वो क्या हो गई है, फ्लक्स डेंसिटी आपकी ज़ीरो हो गई। तो यानी इस सी पॉइंट को मैंने नाम दिया है कोरिसिटी, कोरिसिविटी। तो कोरिसिविटी आपकी क्या होती है, ये इसके निग्रह बल, इसको हिंदी में कह सकते हैं निग्रह बल। इसका मतलब ये है कि ये वो फोर्स है, ये वो नेगेटिव, ये उस मटेरियल पे लगाई गई वो नेगेटिव फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में या लगाई गई फोर्स है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाई वो फोर्स है जिसमें हमें क्या करना है, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को, रिटेंटिविटी को, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्या करना है, ज़ीरो करना है। मतलब हमें क्या करना है कि उस में जो चुंबक के गुण बचे हुए हैं एच करने पर भी, ज़ीरो करने पर, हमें उस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस मटेरियल पे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हम इसको फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले अपोजिट डायरेक्शन में एच को बढ़ाते चले गए, तो एक ही तरह यहाँ पे भी डी में क्या आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर आप इससे ज़्यादा एच को बढ़ाओगे तो बी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, देखिए ये बी वाला है ना, ये नहीं बढ़ रहा है। फिर आपने क्या किया, वही जैसे यहाँ पे किया था, फिर से आपने एच को कम करना शुरू किया, वापस ख़त्म करना शुरू किया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे कम करना शुरू किया था ऐसे यहाँ पे कम करना शुरू किया। तो अब क्या हो जाएगा, जब आपका ये जो नेगेटिव फोर्स को आप करते करते कम करते करते वापस ज़ीरो पे लेके आओगे, तब भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो डेंसिटी है वो क्या होगी, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा, मतलब उसमें मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज पूरा नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रॉपर्टी अभी भी कुछ ना कुछ रहेंगे, चुंबक के कुछ ना कुछ गुण रहेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से कम करने के लिए, अब इसको फ्लक्स को वापस ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या लगाया, कुछ मटेरियल को, कुछ सॉरी मैग्नेटिक फोर्स को लगाया, और अब क्या हुआ, यानी रिटेंटिविटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे बी में क्या था, ये अपोजिट, ई क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उस हमने क्या किया, अब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया, इधर माइनस था तो अब इधर की तरह क्या लगाएंगे, प्लस फोर्स लगाएंगे, तो प्लस फोर्स लगाने पे इधर नेगेटिव रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था, ये क्या हो जाएगा, कम होता 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 क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे फिर आ जाएगा। फिर आप उसके बाद और बढ़ाओगे एच को तो फिर ये वापस ए पे आ जाएगा, इस तरह बी पे आ जाएगा, सी पे। तो इसमें तीन चार चीज़ें बताई मैंने आपको, सैचुरेशन क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होती है या जिसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, कोरिसिटी, कोरिसिविटी समझाए, कोरिसिविटी क्या होती है, कोरिसिविटी आपकी वो फोर्स होती है जो हम इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ सी के लिए किया, यहाँ पे हमने एफ के लिए किया। ठीक है, तो ये आपका है थोड़ा हिस्टेरेसिस लूप। तो हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली ये बताता है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक मटीरियल पर, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल पर यदि आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका बढ़ जाता है,
और जैसे जैसे आप उसे बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे आकर क्या होता है, वो फ्लक्स आपका बढ़ना बंद हो जाता है। अब जैसे ही अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से हटा लेते हो, तो एकदम से उसमें से जो फ्लक्स होता है वो एकदम ज़ीरो नहीं होता, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एकदम से ज़ीरो नहीं होती। तो हम उसकी उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की उस प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, BH ग्राफ, ठीक है। दैट इज़ अ हिस्टेरेसिस लूप। एक टर्म है इसमें, मैं समझा देती हूँ, वैसे आगे भी अभी यूज होगी, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को हमें S से दिखाते हैं। तो रिलक्टेंस आपका बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उसी तरीके से होता है जैसे रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस होती है ड्रॉप करती है, ऐसे ही रिलक्टेंस होता है। जैसे वो क्या करता है, क्या किसके करंट का ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप करता है, करंट की कमी करता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स की कमी करता है, ठीक है। तो ये रिलक्टेंस आप।